दोस्तों मार्केट डेली में हम लोग देखेंगे कि 17 जुलाई को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं, डेली वीकली और टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे वीडियोज हैं, वो देख के आप टेक्निकल से सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि 17 जुलाई को मार्केट कैसे रहेगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे निफ्टी से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि निफ्टी आज 121 पॉइंट पॉजिटिव है और यहाँ पे बैंक निफ्टी 256 पॉइंट पॉजिटिव है। अगर दोनों में देखा जाए तो लगभग निफ्टी और बैंक निफ्टी बरोबर अपने प्रोपोर्शन से ऊपर जा रहा है। तो हमने कल जो व्यू था मोस्टली मैक्सिमम लोगों का व्यू नेगेटिव था, तो व्यू अपना कौन सा भी रहने दो, लेकिन अगर अपने लेवल हिट होते हैं तभी आपको ट्रेड करना है, ये मैंने ऑलरेडी बताया। तो हम लोग सिंपल से समझ लेते हैं निफ्टी को कि निफ्टी ने जो कि ये लेवल था जब भी 2 दिन पहले ब्रेक किया, दूसरे दिन भी ये ऊपर से सेल ऑफ आया, तो जब भी नेक्स्ट अच्छा वाला लेवल 10553 अगर ब्रेक होता है तो ही एक डाउन ट्रेंड आएगा। अगर ऊपर वाला जो लेवल है जैसे कि ये जो नियर हाई था, ओके, अगर ये नियर हाई लगभग 10,900 के आसपास आता है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर पॉजिटिव वाला ट्रेड आएगा। तो इसके बीच में अगर मार्केट होता है तो क्या होगा, एक साइडवेज रहेगा। साइडवेज का मतलब क्या होता है कि वो थोड़ा नीचे ऊपर नीचे करेगा और ये रेंज ब्रेक करेगा तभी आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी। तब तक यानी कि नीचे वाला लेवल ब्रेक होने तक हमको फिर से बेरिश नहीं होना है। बेरिश ट्रेंड अभी तक है लेकिन बेरिश जो है कि नेक्स्ट लेवल आने के बाद आपको नेक्स्ट बेरिश ट्रेड मिलेगा। इन बिटवीन ये जो मार्केट इतना गिरा है एक 300 साढ़े 300 पॉइंट ये जो है कि 3-4 कैंडल में, तो ये जो फिर से इमिडिएटली और नीचे नहीं जाएगा तो थोड़ा टाइम लेगा और ये जो नीचे वाला लेवल ब्रेक करेगा हमको जो है कि डाउन वाले ट्रेड करने हैं। तभी तक हम क्या कर सकते हैं, अगर बीच में मार्केट है तो हमको जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि लेवल पे ट्रेड करना है। हाँ बिल्कुल, आप 10553 का नीचे जाता है तो हमको शॉर्ट अच्छा मिलेगा और 10,900 के आसपास यहाँ पे ऊपर एक कैंडल का आपको हाई भी देखना है प्रॉपरली। तो इसका जो हाई है 10,894 यानी 10,900 ही है कि ये लेवल अगर पार करता है तो आपको पॉजिटिव वाला ट्रेंड मिलेगा। आज जैसे मार्केट ने ऊपर ओपन होने के बाद डाउन भी आ गया और क्लोजिंग के टाइम जाके ऊपर ही क्लोज कर दिया, तो ऐसे जो कैंडल आते हैं तो एक थोड़ा सा एक बाइंग जो कि हमको प्रेशर दिखता है। लेकिन आज जो एक्सपायरी का डे था तो एक्सपायरी में क्या होता है कि बहुत सारे पोजिशन रहते हैं, तो पूरा एक वीक का ये रहता है, उनका सीनियर रहता है कि वीक में आपको मार्केट कहाँ क्लोज करना है, जो बड़े ट्रेडर करते हैं। ओके, उसके बाद ये सीनियरों फिर से चेंज भी हो सकता है, आइदर डाउन या अप भी जा सकता है। अभी कल के लिए जो कि आपको इम्पोर्टेंस लेवल रहेगा जैसे कि बाइंग प्रेशर कैंडल बना है, तो इसका हाई जैसे कि 755 जो इसका हाई है तो वो ब्रेक होता है तो और एक अच्छा आप मूव मिल सकता है एक इंट्राडे के लिए, राइट। और जो क्लियर कट आपको चाहिए तो 10,900 के ऊपर ही मिल सकता है। सेलिंग के लिए हम लोग नज़दीक वाला जो लेवल है 10,675 जो ये लेवल है इसके नीचे आप फिर से मंदी कर सकते हो। तो मैंने आपको इंट्राडे के लिए ये जो लेवल बताया इंट्राडे के लिए है, ओवरऑल मार्केट ये रेंज में रहेगा तो साइडवेज रहेगा, थोड़ा चाहिए तो हम लोग इंट्राडे का भी लेवल देखेंगे। तो बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि इंट्राडे में कैसे मूवमेंट हुआ ये भी आप समझा दो। तो देखिए कि यहाँ पे मार्केट जैसे ही ओपन हुआ थोड़ा नीचे आ गया, जो अपना कल का लेवल ए था तो इसके ऊपर बाय करना था हमको ए लेवल के ऊपर, राइट। तो ये जो मार्केट था यहाँ पे देखिए कि ये लेवल पे कितनी बार यहाँ पे रिटेस्ट भी किया, ऊपर वाले लेवल पे रेजिस्टेंस लिया और बाद में ए लेवल ब्रेक करने के बाद एंड ऑफ द डे बहुत अच्छी तरह इसने मोमेंटम किया। तो मार्केट जैसे कि हम लोग सोच रहे थे सब नीचे जाएगा लेकिन नीचे वाले लेवल ब्रेक नहीं किया, अगर ऊपर साइडवेज भी हुआ या थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया तो लेवल पे रिएक्ट करता है और आपको कहीं ना कहीं मौका मिलता है ट्रेडिंग करने का, वही सीखना है तो उससे ही पैसे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको इंट्राडे के लेवल और जो कि लंबे वाले डेली के लेवल भी एक्सप्लेन निफ्टी को एक्सप्लेन किए। मार्केट कहाँ ओपन होता है, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। मार्केट कहाँ ओपन होने के बाद आपको उसके ऊपर कैसे एक्ट करना है, अगर इसके ऊपर आप अच्छी तरह सीख गए तो ट्रेडिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी लगभग
जैसे कि निफ्टी जैसे ही मोमेंटम किया, लेकिन यहाँ पे देखो तो आज वो बच गया है, जैसे कि ये लो बनाया था तो ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है 21,000 का, यहाँ पे इसने एक अच्छा सपोर्ट लिया है आज। तो ये जो लेवल है, कभी भी ब्रेक होता है तो जो है कि बैंक निफ्टी बहुत अच्छी तरह यहाँ पे गिरने वाला है, तो यहाँ पे आज फिर से बायर आ गए। ऊपर इसने भी एक हैमर ही बनाया, तो अगर इंट्राडे में भी कल इसका जो हैमर का हाई रहेगा वो है 21,671 के नीचे ऊपर जाता है, तो आपको एक बाइंग का मौका मिल सकता है। सेलिंग के लिए आप जो कि लेवल जो है अपना जो निकला था 21,220 एसी ए देखो, थोड़ा सा हम लोग इसमें भी इंट्राडे में देखेंगे। ओके तो देखिए कि एक लेवल से यहाँ पे अच्छी तरह मूवमेंट किया है, ये भी लास्ट में जो है कि अप साइड में गया है, तो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि लास्ट में बुल आ गए, लेकिन बैंक निफ्टी का जो अप ट्रेंड जाना तो उसका जो ऊपर वाला जो लेवल है बहुत ही दूर है 23,000 का। जब भी ये पार करेगा तभी इसमें क्लियर कट अप ट्रेंड आ सकता है। मोस्टली अगर मार्केट गिरना है तो पहला कल्परेट तो बैंक निफ्टी रहेगा, वही मार्केट को गिरा सकता है। तो बैंक निफ्टी एकदम क्लियर कट यहाँ पे पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं है, और थोड़ा सा साइड वेज में से मुझे नेगेटिव टू साइड वेज दिख रहा है, क्योंकि अभी तक बैंक निफ्टी के जो स्टॉक है उसमें थोड़ा स्ट्रेंथ आना बाकी है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्री का इवेंट हो गया, इवेंट में दिखा दिया उसने, आज वो अभी वो साइड वेज रहेगा। तो साइड के जितने भी लेवल्स हैं, जैसे ऊपर 1856 के ऊपर बाय, और जो है कि 1835 के नीचे सेल। यहाँ पे जब भी रिलायंस का मेरा ऑब्जर्वेशन है कि एक इवेंट होने के बाद कि बहुत दिन वो साइडवेज चलेगा, आपको इंट्राडे में भी अच्छे ट्रेड नहीं मिलेंगे और लेवल भी चलने का चांसेस थोड़ा कम रहेगा। तो यहाँ पे कुछ दिन इसको दूसरा यानी कि ये जो बड़ा कैंडल है उसके डाउन या ऊपर जाने के बाद ही आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है, तो तब थोड़ा दिन के लिए इसको आप अवॉइड करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका इवेंट हो गया, इसके ऊपर अभी ट्रेडर का नज़र हट गया। कल हमने कुछ कॉल दिए थे, तो मैंने जितने भी कॉल दिए थे मोस्टली आपको सेल के दिए थे, और मैंने आपको कहा था कि ये जो स्टॉक है अगर निफ्टी 50 पॉइंट पॉजिटिव रहेगा तो सेल वाले मत करना। तो नॉर्मली निफ्टी 50 पॉइंट बाद में ऊपर गया, आपने कॉल थोड़े कोई हिट हो गए, कुछ नहीं हो गए, कोई बात नहीं, अपना व्यू अगर गलत रहेगा आपको नहीं ट्रेड करना है इसमें। कुछ शुरुआत में देखिए कुछ अपने टोरेंट पावर वगैरह ये स्टॉक नीचे गए भी थे, तो सब में आपको विक्स दिखेगा, अपने लेवल से थोड़ा नीचे गए थे, बाद में मार्केट पॉजिटिव हुआ, तो कोई बात नहीं, अपने जो लेवल चलते हैं उसके ऊपर काम करना है। अगर नेगेटिव कॉल दिए और मार्केट पॉजिटिव तो नहीं करने, मैंने कल भी आपको बताया था, तो कल के लिए मुझे पॉजिटिव कॉल मिल गए क्योंकि आज मार्केट पॉजिटिव था। तो कुछ हम लोग कल के लिए कुछ स्टॉक देखेंगे, और मैं थोड़ा लेवल पे आपको इसको डिपेंड करता हूँ। देखिए कि MNM है, इसमें एक अच्छा बुलिश पैटर्न बन रहा है, जो कैंडलस्टिक का बुलिश पैटर्न रहता है, और एकदम बहुत ही अच्छा पैटर्न है। 573 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है 15 मिनट, उसके बाद आप बाय करो, तो यहाँ पे इसमें कंप्लीट अप ट्रेंड है, और आज का जो पैटर्न बना है बहुत ही अच्छा बना है। नेक्स्ट हम देखेंगे डॉक्टर रेड्डी। तो देखिए कि फार्मा कंपनीज अच्छा कर रहा है, डॉक्टर रेड्डी ने नज़दीक वाला हाई ब्रेक किया है, ऑलरेडी 3 दिन चला है, तो थोड़ा सा इसमें केयरफुली करना पड़ेगा, और इसका जो लेवल रहेगा नेक्स्ट आज का हाई के ऊपर ही 4162 के ऊपर यहाँ पे बाय कर सकते हैं, हाई ऑफ द डे क्लोज हुआ है। देन हीरो मोटोकॉर्प, तो देखो हीरो मोटोकॉर्प जो है कि एक ट्रेंड लाइन से जो जा रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट भी लिया और आज अच्छा एक रिवर्सल कैंडल भी बनाया उसके बाद सपोर्ट के बाद, तो आज का कैंडल बहुत ही पॉजिटिव है, तो इसमें भी हम लोग बाइंग का मौका देख सकते हैं, 2723 के ऊपर इसमें बाइंग कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस देखिए तो एक स्टॉक है, ट्रेडर फेवरेट है, और थोड़ा यहाँ पे रिस्की भी है, थोड़ा यहाँ पे नेगेटिविटी भी आया था अच्छी तरह। आज का कैंडल है एक लेवल के ऊपर, अगर आप लेवल देखो तो पहले वाला जो ये था लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद वही लेवल पे ये सपोर्ट ले रहा है, इसलिए मैं इसको चूज कर रहा हूँ। तो एक ओनली इंट्राडे के लिए बाइंग के लिए मैं आपको लेवल देता हूँ, क्योंकि आज का हाई का लेना पड़ेगा वो है 3214, उसके ऊपर जाता तो आप बाइंग कर सकते हो। कल ब्रिटेन इंडस्ट्री और HCL का रिजल्ट है, तो इसलिए मैं उसका चार्ट देख रहा हूँ, तो ब्रिटेन इंडस्ट्री देखिए कि कंप्लीटली ये अप ट्रेंड है और ये लाइफ टाइम हाई भी इसका चल रहा है। तो यहाँ पे उसका जो नीचे वाला जो सपोर्ट लिख रहा है 3707 एक इसका सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस रहेगा आज का हाई 3880,
तो ये लेवल रहेगा कल का उसका रिजल्ट के लिए। तो रिजल्ट के दिन मैं कुछ बाई या सेल का ये नहीं देता हूँ, जिनका रिजल्ट रहेगा मैं आपको उसको लेवल बताता हूँ। एशियन टेक में एक जो कि लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं वो टाइप का कैंडल आया। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव टाइप कैंडल रहता है एक रनिंग के बाद, फिर भी इसका भी जो है कि हाई का ही हम लोग ये ले सकते हैं रेजिस्टेंस। दूसरा कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो है 652 का, नीचे सपोर्ट है 604 का। तो जो है कि रिजल्ट में हमको लंबे लंबे के रेट लेवल देखने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये जो स्टॉक और जो कि इंडेक्स मैंने आपको बताए उनके लेवल बताए, मेरे टेक्निकल रीडिंग्स है या मेरा टेक्निकल व्यूज है। ऐसे नहीं कि कल मार्केट या ये स्टॉक ऐसे ही चलने चाहिए, इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों अगर आपको ऐसे टेक्निकल ऐसे सीखना है तो मेरे साथ ऑनलाइन आप सीख सकते हैं। आने वाला जो कोर्स है हमारा ऑनलाइन, उसका मैं जल्दी डेट आपको बता दूंगा। तो लेकिन जिनको भी इंटरेस्ट आएगा मुझे कॉल करके आप अपना नाम दे सकते हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।